हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। आज निकला हूँ अपने सफ़र की ओर, देखते हैं आज क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा। कुछ अनोखा रहता है या सिंपल रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप बने रहे मेरे साथ दोस्तों। घर से निकलेंगे अपनी बाइक लेके, आगे देखते हैं कहाँ पर पार्क करनी है, फिर वहाँ से अपनी मेटाडोर में सफ़र शुरू करेंगे। आप बने रहे मेरे साथ दोस्तों। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई बोल रहा है कि मोटरसाइकिल को जोगवा लगा दे, मैंने कहीं जाना है। तो अभी मैंने दुकान पे लगाना था, नहीं तो अब भाई ने बोला है तो जोगवा लगाना पड़ेगा, फिर उधर से गाड़ी पकड़ते हैं, फिर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे गाँव के निवासियों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। रुको जरा, सब्र करो। जो कन्ना नाला जोगवा के ब्रिज का काम चल रहा था वो फाइनली आधे से ज्यादा कम्प्लीट हो गया है। तो बीआरओ की तरफ से जोरों शोरों से काम चल रहा है इसका, आप देख सकते हैं। अब इसका ट्रायल हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसके ऊपर से गाड़ियां सभी गुजरी थी, बट फिर से बंद कर दिया क्योंकि अभी थोड़ा काम इसका रहता है। तो अभी जस्ट जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कन्ना नाला जोगवा से जो फ्लड की प्रॉब्लम थी वो सहनी नहीं पड़ेगी हमारे लोगों को, सीधा इसके ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा। सो बड़ी खुशी की बात है ये हमारे लोगों के लिए और मेरे लिए भी। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये है कन्ना नाला जोगवा। भाई बरसात के मौसम में बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं, तो अब फिलहाल इसका एक अच्छा सोर्स मिल गया हम लोगों को। ये जो ब्रिज है भाई, ये कंप्लीट होने वाला है जल्दी से जल्दी, तो आप भी इंतज़ार कर लेना इसका। जो कटाऊ मंदिर आने वाली संगत होगी ना इस बार भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मुझे लगता है बीआरओ की तरफ से इस पुल को उस दिन खोला जाएगा ताकि गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरें सभी। अभी काम इसका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तो आप भी देख सकते हैं भाई। सो फाइनली दोस्तों, एक साइड से ये काम है भाई, अभी पेंडिंग है बीआरओ की तरफ से जल्दी कम्प्लीट होने की संभावना है पूरी मुझे भी। तो आप भी देखें, बने रहें हमारे साथ, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन अपने गाँव की बताता रहूँगा भाई। दोस्तों भाई चला गया बाइक लेके, अब मुझे इधर ही बाइक मेटाडोर का करना इंतज़ार, जब आती है तो फिर दिखाते हैं आपको भी। सो फाइनली दोस्तों, मेटाडोर आ गई है, अब इसमें बैठते हैं और फिर चलते हैं भाई। सो दोस्तों, सफ़र की ओर जा ही रहा था, बट फिर कुछ ऐसा हुआ, मन्ना गांव से हमें वापस आना पड़ा। शॉर्टकट रास्ते से गाड़ी ले रहे थे, बट कालेकस जाके पहुँचे तो गाड़ी हो गई ख़राब। उस्ताद जी खुद करने लगे ठीक, बट उनसे हुई नहीं। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को किया फ़ोन। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। मेरी प्यारी YouTube फैमिली, अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, गाड़ी हो गई हमारी ख़राब और ये मेरा सौरभ भाई जा रहा है कॉलेज, इसके साथ मैं चला जाऊँगा अब भाई। और मेरे साथ भाई भी आ चुके हैं, ये आए थे बाइक लेके भाई, मैं और सौरभ भाई मेटाडोर में ही थे दोनों, बट गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई है, मिस्त्री बुलवाया, हम लेट हो जाते नहीं तो। प्रवीण भाई आया बाइक लेके, हम जा रहे हैं अब इसके साथ। सो दोस्तों, हम बाया बल्डो वाली साइड से जा रहे हैं, इधर कच्चा रोड है भाई, किला वाली लगाएंगे अपने बाइक को, फिर उधर से नारायण वाली मेटाडोर में बैठेंगे, चले जाएंगे सीधा अखनूर। कि अखनूर टू नारायणा मेट्रो जहाँ से चलती हैं भाई सभी गाड़ियाँ, ये लगी हुई हैं भाई। रुके रुके, नहीं दोस्तों सेला वाली पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से अखनूर वाली मेट्रो का करते हैं इंतज़ार, फिर जब आती है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, मामू जी की गाड़ी आई है, अब इसमें जाऊँगा मैं अखनूर। तो दोस्तों, अखनूर पहुंच गया हूं, अब जा रहा हूं आगे, कुछ सामान लेना है, तो देखते हैं आप भी क्या
एड्रेस रहता कम व्यक्त का मेरा। फिर मैंने सुंगल मोड़ पहुँच कर किया नारायणी वाली गाड़ी का इंतज़ार। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज से बैठ गया ऊपर। उसके आगे जा रही 3 जेड वाली गाड़ी, उसके साथ लगी थी रेस। उसके साथ चलते चलते फिर आगे पहुँचे तो आगे जा रही थी डगेरा वाली मेटाडोर, उसके साथ लगी रेस। फिर मैं वहाँ से उतर कर चला गया मासी के घर। मासी के घर के आने के बाद फिर मैं आ गया मिनी बस में। भाई तो दोस्तों ये लगी है मिनी बस भाई, अब इसमें जाएंगे हम घर। तो 3:30 बजे निकलेगी इधर से। उस्ताद जी चाय पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं अभी। सो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कन्ना नाला जोगवा का पुल जो है भाई ओपन हो चुका है, सभी गाड़ियाँ इसके ऊपर से जा रही हैं। वो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में हमारी मिनी बस आएगी भाई आज। सो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली दोस्तों। ओ यार यार ये कितनी औसम है यार। हाय हाय इतना सुकून। सो फाइनली दोस्तों मिनी बस से उतर के अपनी दुकान पे आ गया हूँ। अब यहाँ से चलते हैं घर भाई, थोड़ी देर रुकेंगे इधर ही। तो दोस्तों मेरे चाचू जी ने ली है न्यू कार, बड़ी खुशी की बात है भाई हमारे लिए। हमारे चाचू जी ने ली है ऑन पुलिस ड्यूटी करके, ये मुकाम हासिल की है भाई। छोटा है पर ठीक है जितना है। सो दोस्तों मैं रुका था दुकान पे, तो अब भाई आया, भाई ने दी है मोटरसाइकिल की चाबी। मोटरसाइकिल लगा है रास्ते में भाई, उसका हो गया पेट्रोल ख़त्म, तो मैंने रास्ते में से बस सुमित ताजी को बोला कि मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, तो उसने गाड़ी रोकी, बोतल का इंतज़ाम किया, तो 1 लीटर भरवा के लाया हूँ मैं। अब रास्ते में जब मोटरसाइकिल मिलेगा तो उसमें डालेंगे, फिर चले जाएंगे घर। अब यहाँ से साधन ढूँढना है कोई अपने स्टॉप तक पहुँचने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं फिर। फाइनली दोस्तों पेट्रोल डाल दी है अब मैंने बाइक में, तो अब चलते हैं भाई इससे। तो मेरे चाचू जी आए हैं साथ में, अब मैं और मेरे चाचू जी जाएंगे अपने घर बाइक लेके। सो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं पहुंच गया हूं घर अपने। तो अब करते हैं कपड़े चेंज। तो इसी के साथ मैं कुछ बातें बता दूं आपको आज के एक्सपीरियंस में जो मेरा रहा। सबसे बुरी बात ये है भाई, जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा था सुबह भाई, वो गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया मैं अपने सफ़र में जाने के लिए। चलो कोई नहीं, हो कहते हैं ना भगवान का दी, भगवान देता है भाई पर देर से देता है। उसके पीछे जस्ट प्रवीण भाई आ गए थे बाइक लेके, मैं और सौरभ भाई उसके साथ बैठ के चले गए अपने सफ़र की ओर। और आते वक्त अच्छी बात ये है कि भाई हमारा जो कन्ना नाला जोगवा के ऊपर ब्रिज का काम चल रहा था BRO की तरफ से, वो फाइनली मतलब पुल खोल दिया है, काम अभी भी चल रहा है भाई उसका, तो जल्दी उसका अच्छा रिव्यू देखने को मिलेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं जल्दी दूंगा, तो आप बने रहें मेरे साथ।
तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।